हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका यूपी बीएड 2020 को लेकर के है। जी हाँ, आपको पता है कि जो यूपी में बीएड है वो होने वाला है और इसमें तकरीबन 2 लाख के लगभग सीट जो है दी गई हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म जो है फिल करना है, भरना है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन आपको किस तरह से करना है। पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हम आपको इसमें बताएंगे और फीस कितनी है ये भी बताएंगे और साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो इंट्रेंस एग्जाम अब होने हैं वो जो आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो कंडक्ट करवाएगी। तो हम आपको बताएंगे किस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और क्योंकि हमने यूपी से ही बीएड किया है तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पैटर्न बता सकती हूँ, क्वेश्चन को बता सकती हूँ। तो चलिए फिर लगे रहिए, बने रहिए इस चैनल से, और इसके बाद हम आपके लिए बीएड की प्रिपरेशन भी कराएंगे। चलिए फिर देख लेते हैं कि किस तरह से फॉर्म आपको भरना है और किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं, आप देख रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी की साइट पे हैं। ओके, और यहाँ से जो है बीएड, जो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी है वो आपका बीएड कंडक्ट करवाएगी, एग्ज़ाम करवाएगी, इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होंगे। तो चलिए फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और सबसे पहले आप जब होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे एडमिशन में देखिए, जैसे ही आप एडमिशन में क्लिक करते हैं, जेई बीएड 2020-22 यानी 2 साल का आपका ये बीएड है, 2020 है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो न्यू विंडो देखिए ओपन हो गया है, ठीक है, बीएड एडमिशन 2020 का है और यहाँ पे पूरी चीज़ें दी हुई हैं। आपको गाइडलाइन चाहिए ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, एंट्रेंस टेस्ट गाइडलाइन तो यहाँ पे क्लिक करिए, कॉलेज डिटेल यहाँ पे क्लिक करिए, प्रेस रिलीज यहाँ पे करिए, काउंसलिंग गाइडलाइन यहाँ पे करिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले फॉर्म फिल करना है आपको, तो यहाँ पे जनरल गाइडलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे हम क्लिक करते हैं। ओके, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं। क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। कंप्लीट देखने के लिए, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको करना होगा। मैसेज फॉर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी की जो है उनके, मतलब यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। फिलिंग गाइडलाइन, यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसे क्या गाइडलाइन है, कितना क्या चाहिए, तो सब कुछ आपको यहाँ पे इसमें व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट जो है वो यहाँ से, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं व्यू पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, दूसरा जो विंडो है देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है। अब देखिए बीएड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फर्स्ट नंबर पे है, 12 फरवरी से स्टार्ट है ये। ओके, लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की जो विदाउट लेट फीस है वो 6 मार्च है। यदि आप 6 मार्च के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं, लेट फीस के साथ में लेट फीस लगेगी, जो कि 11 मार्च तक आपको टाइम दिया गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, तो रजिस्टर्ड फॉर न्यू यूजर, यदि आप यहाँ पे, यहाँ से पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, न्यू यूज़र है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। लेकिन यदि आप यहाँ पे पहले भी लॉगिन कर चुके हैं, आपकी आईडी बनी हुई है, तो फिर आपको साइन इन फॉर एक्सिस्टिंग यूज़र पे क्लिक करना होगा। तो चलिए रजिस्टर फॉर न्यू यूज़र पे कर देते हैं, क्योंकि तो फर्स्ट टाइम अगर आप इसी वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी पर आ रहे हैं, देखिए लोड हो रहा है। ओके ओके, रिक्वायरमेंट फॉर फ्रॉम सबमिशन के लिए है, वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी चाहिए, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए, जेपी फॉर्मेट में होनी चाहिए, अपलोड साइज़ जो है 50 KB 50 KB के समथिंग, स्कैंड सिग्नेचर चाहिए, जेपी इजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और साइज़ की बात करें तो 50 KB। लेफ्ट एंड राइट इंडेक्स फिंगर यहाँ पे होगा, उसका भी आपको फॉर्मेट जो है जेपी इजी पे होगा, ठीक है ना, 50 KB का होना चाहिए। यहाँ पे फिंगर भी मांगा गया है आपसे, और हाई स्कूल मार्कशीट यहाँ पे चाहिए, रिक्वायर्ड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट टू बी अपलोडेड, और फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पे भी चाहिए फॉर इंटरिंग नंबर के लिए। तो फोटो आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके, ओनली वन ऑफ फॉलोइंग द एंट्रिंग द नंबर ऑफ द, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इतने में से आप कोई एक भी जो है आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट।
एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो ये है, तो देखिए जब हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये फीस यहाँ पे रखी गई है, और इसी तरह से एससी एंड एसटी के लिए 750 जो है यहाँ पे फीस रखी गई है। एससी एंड एसटी ऑफ अदर स्टेट, अब अदर स्टेट के लोग जो भरेंगे उनके लिए यहाँ पे 1500 रुपये फीस रखी गई है, क्योंकि अदर स्टेट में यदि आप अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ के लिए जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, इसलिए जनरल कैटेगरी है कि यहाँ पे फीस जो है यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो आप अगर इसी स्टेट के हैं तो 750 रुपये, अदर स्टेट के एस टी एस सी हैं तो यहाँ पे 1500 रुपये। ओके, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो ये सभी चीज़ें पहले पढ़नी पड़ती हैं और उसके बाद देन यहाँ पे देखिए किस तरह से फॉर्म फिल करना है। तो स्टेप वन दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना होगा। तो एप्लीकेंट हैव टू फिल द रिलेवेंट डिटेल इन द फॉर्म प्रोवाइडेड, जो वहाँ पे मांगा गया उसको आपको फिल भरना होगा। एप्लीकेंट विल रिसीव देयर लॉगिन डिटेल ऑन द मोबाइल नंबर। अब देखिए जो मोबाइल नंबर आप देंगे, ठीक है ना, जो एक्टिव पोजीशन में चल रहा हो, और ईमेल आईडी देंगे, वहाँ पे जो है आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट ये रखता है। फिर स्टेप टू में क्या होगा, जब आपका स्टेप वन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेप टू में आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। तो एप्लीकेंट हैव टू इंटर देयर पर्सनल डिटेल, वहाँ पे जो भी मांगी जाएगी वहाँ पे रहेगा ऑप्शन, उसमें आपको फिल करते जाना है। अपलोड एंड डॉक्यूमेंट्स, या थर्ड स्टेप में आपको, तो एप्लीकेंट हैव टू अपलोड देयर रिस्पेक्टिव स्कैन फोटो। तो यहाँ पे जो स्कैन फोटो पर हमने बताई थी जितनी भी वहाँ पे है आपको यहाँ पे जो है अपलोड करनी है, जो भी वहाँ पे मांगा जाएगा वो लिखा रहेगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको वहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी दिखाना होगा, क्योंकि बीएड कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन करना यहाँ पे कंपलसरी होगा बीएड के लिए। ओके, तो वहाँ पे और यूनिवर्सिटीज नेम भी लिखना होगा, रोल नंबर भी लिखना होगा, सब भी कुछ वहाँ पे फिल करने होंगे जो जो वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, वरना यदि आप नहीं करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेटर्स में देख लेते हैं क्या दिखा रहा है। एप्लीकेंट हैव टू फिल देयर डिटेल्स रिलेटेड टू द क्लेम वेटर्स, और कैंडिडेट हैव टू अपलोड द सर्टिफिकेट। यदि आप कोई लाभ लेना चाहते हैं तो आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए अपनी सर्टिफिकेट, लेकिन वहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे मांगा जा रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पे चूज द टेस्ट सेंटर। अब यहाँ पे एक एप्लीकेंट हैव टू फिल देयर 3 choice ऑफ टेस्ट सेंटर इन ऑर्डर, क्योंकि आप इंट्रेंस एग्जाम देंगे तो आपको यहाँ पे जो है सेंटर चूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज दैट मैं अलीगढ़ से हूँ तो मैं सबसे पहले अलीगढ़ का नाम वहाँ पे लिखूंगी कि मैं चाहूँगी मेरा जो इंट्रेंस एग्जाम का सेंटर वो अलीगढ़ में पड़े। फिर उसके बाद जस्ट मेरे नियरेस्ट जो होगा, जैसे मथुरा नियरेस्ट है तो मैं सेकंड में मथुरा दे दूंगी, या फिर आगरा नियरेस्ट पड़ेगा तो मैं आगरा दे दूंगी। इस तरह से करके आपको 3 सेंटर वहाँ पे चूज करने होंगे। ठीक है ना, ओके। प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वहाँ पे प्रीव्यू करना होगा। ठीक है ना, आप देख सकते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, और गलती नहीं है सब कुछ देखने के बाद जो है फॉर्म आर करेक्ट एंड एप्लीकेंट कैन सबमिट, यदि फॉर्म सभी आपके करेक्ट हैं, सही आपने इन्फॉर्मेशन उसमें भरी है तो आपको क्या करना होगा, सबमिट पे करना होगा कैन सबमिट एंड फॉर्म द प्रोसीड टू पेमेंट, और फिर पेमेंट के लिए हो जाएगा जो भी फीस हमने ऊपर अभी बताई है। फिर लास्ट ऑप्शन आपका पेमेंट यहाँ पे रहेगा, तो पेमेंट आपको कर देना होगा जितनी पेमेंट आपसे बताई गई है, मांगी गई है। जनरल और ओबीसी के लिए 1500, और एसटी एससी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन लोगों के लिए 750, और जो एसटी एससी जो अदर स्टेट बाहर के लोग हैं उत्तर प्रदेश से उन लोगों के लिए भी 1500 रुपये है। और आप जो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी आप फॉर्म भरे हो तो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको एक प्रूफ के तौर पे उसका जो प्रिंट है वो भी प्रिंट आउट भी लेके रखना होगा। और एप्लीकेंट डू नॉट हैव टू सेंड देयर प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म द यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे डाटा एडिटिंग में भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो आपका है यहाँ पे 9 स्टेप आपको दिए गए हैं। ओके, तो ये सब कुछ पढ़ लिए। अब इसके बाद क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैं तो इसे फिल कर नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा तो बीएड किया हुआ है, इसलिए आपको इस तरह से भरना है। फिर भी चलिए आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं कि आई रीड हैव अंडरस्टूड एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द एडमिशन प्रोसेस 2020 इन
द यूपी बीएड ज्वाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020। तो चलिए इसको आई एग्री और इसके बाद सबमिट कर देते हैं। आप देखिए सबमिट करने के बाद ये पूरी जो फर्स्ट पेज है यानी फर्स्ट स्टेप जो है आपके सामने आ गया है। यहाँ पे आपको अपना डिटेल भरना होगा। देखिए प्लीज इंटर ऑल द डिटेल, यहाँ पे स्ट्रिक्टली बताया गया है कि मेट्रिकुलेशन टेंथ सर्टिफिकेट जो है उसका आपको डिटेल भरना है और कैंडिडेट शुड है मिनिमम 14 ईयर ऑफ एज 3/6/2020 रजिस्टर्ड यूपी बी एड ज्वाइन एंट्रेंस। ओके कैंडिडेट नेम, यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है। फिर यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम पुष्ट करें, ठीक है। कंफर्म कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट नेम, कंफर्म कैंडिडेट नेम अगेन। पिता का नाम, पिता नाम पुष्ट करें, यानी अगेन आपको करना है, सभी चीज़ें बार बार करनी है। माता का नाम, फिर अगेन यहाँ पे माता का नाम आपको लिखना है, जिस तरह से जनरली कभी कभी पासवर्ड है ना री इंटर करने के लिए बोलता है दो बार में। फिर यहाँ पे कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे फिर आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियर करनी है, दो दो बार यहाँ पे आपको करने होंगे। ओके चलिए फिर इसी तरह से आगे देख लेते हैं। यहाँ पे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर करेक्ट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है। ओके ठीक है, जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे फिल करनी है, अगेन वही ईमेल आईडी फिल करनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना है और यहाँ पे अगेन वही मोबाइल नंबर आपको दोबारा डाल देना है। जब सब कुछ आप फिल कर लेंगे, जब आप फिल कर लेंगे तब यहाँ पे प्रोसीड करने के लिए आएगा, ठीक है ना। और तो जो हमने आपको अभी इसमें बताया था सेम वही चीज़ है जो हम रजिस्टर्ड यूज़र में इसमें गए थे, हमने आपको बताया था सेम वैसे ही है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपका है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। हम आपको फिर से बता देते हैं, क्योंकि जब तक हम उसे फिल नहीं करेंगे वो हमें आगे नहीं लेके जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप था रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो गया वहाँ पे। फिर पर्सनल डिटेल उसमें सबमिट करने के लिए आएगा, ओके आएगा, आप ओके कर देंगे तो सेकंड स्टेप आ जाएगा पर्सनल डिटेल। इस तरह से थर्ड स्टेप पूरे स्टेप आप कर लीजिए और इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो भर जाएगा, जो उसमें ओके करते जाइए, आगे जो मांगता जा रहा है वो फिल करते जाइए, ठीक है ना। लास्ट में पेमेंट ऑप्शन आएगा, पेमेंट के बाद प्रिंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई यदि प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप हमें बताइएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं इसे फिल करके भी आपको बता दूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है हम करवाएंगे और हमारे पास बुक भी है, हम ये भी बताएंगे कि यूपी बीएड के लिए कौन सी बुक जो है वो अच्छी रहेगी। तो उस नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। ओके चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।